ये किधर जाना था, क्लास किधर है? तो यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही थी अपनी फाइल, और ये सबसे पहले मैंने रख ली अपनी किताब, और ये मेरी नोटबुक, और ये एक्स्ट्रा मास्क, और ये कुछ खाने पीने का छोटा सा सामान क्योंकि ब्रेक होनी है तो बंदा कुछ खा लेते हैं। और ये मैं अपने बैग में डाल रही हूँ नोटबुक, और साथ में ये मेरी टॉपिक वन की बुक। और इसके बाद अभी तक मैंने ज़ोमैटो नहीं ली, तो चलो भाई ये सारा कुछ अभी इसी तरह से जाएगा। और ये हो गया रेडी चेडी मेरा सामान। ये एक रेजर पाई रह गई थी, सो चलो भाई ये मेरा छोटा पर्स। और अच्छा, मेरा पहला कोरियन लैंग्वेज क्लास का दिन, आई एम वेरी एक्साइटेड, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, आई एम गोइंग। आज सुबह सुबह रेडी हुई हूँ, मैं दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन चलो देखते हैं आज क्या सीन होता है। ऐसा मुझे लग रहा है पहली दफ़ा इतनी सुबह सुबह निकली है, आज धूप निकली है, वैसे इतनी ठंड नहीं है, थोड़ा हिसाब किताब ठीक ही है। इतनी जल्दी कभी सुबह उठ के आए नहीं, इसलिए लग रहा है जल्दी आ गए। ये किधर जाना था, क्लास किधर है? A few moments later. पर सभी लोग लिखने में मसरूफ थे, और फिर मुझे पता चला कि जी तस्वीर ली जा रही है, तो मैं भी एक्टिव होकर बैठ गई जैसे मेरी ही तस्वीर ली जा रही है। और ब्रेक टाइम ही मैंने सोचा क्यों ना ये जगह को थोड़ा सा डिस्कवर किया जाए। और फिर मिला मुझे पंपलेट जिसके ऊपर हर तरह के खाने मेंशन थे, जो कि हर कंट्री में जो उनकी स्पेशल फूड है वो मेंशन थी, और इसके अलावा भी इसके ऊपर कुछ चीज़ें थी, लेकिन वो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर ठीक 40 मिनट बाद दूसरी ब्रेक हो गई, और इसमें कुछ खास करने के लिए था नहीं, तो बस मैंने बैठ के 10 मिनट गुजारे। तो मेरी क्लास हो गई है, और अभी मैं छुट्टी करके बाहर आई हूँ। नाउ आई एम अबाउट टू गो बैक टू होम। अच्छी क्लास थी, टीचर भी अच्छी थी, बस मैंने स्टार्टिंग वाला पिछला रिवाइज नहीं करा, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। पहले देखते आगे आगे क्या होता है। फर्स्ट डे अच्छा गुजरा है, उम्मीद है आगे भी टाइम अच्छा गुजरेगा। अभी चलती हूँ मैं। दिस इज़ माई टॉपिक वन लेवल ग्रामर बुक। सो नाउ आई एम बैक एट होम, और आज का दिन अच्छा गुजरा, और क्योंकि आज पहली क्लास थी तो मैं सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी। हमारा जाते साथ ही एक टेस्ट हुआ, और टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही था, क्योंकि वो जो पहले मैंने लेवल किया था उससे मिलता जुलता ही कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और सबसे पहले तो हमारा टेस्ट हुआ, और उसके बाद हमारी क्लास वगैरह कंटिन्यू हुई, और साथ में उन्होंने थोड़ा नाम वगैरह पूछा था, और कुछ ज़्यादा चीज़ें आज डिटेल में नहीं पूछी थी। वैसे तो पहला दिन कोई भी हो बहुत अहम होता है हमारी ज़िंदगी में, कोई भी पहला दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है, कोई स्कूल का पहला दिन हो, कॉलेज का पहला दिन हो, यूनिवर्सिटी का पहला दिन हो, मुल्क में पहला दिन हो, स्टडी में आप नए सिरे से फिर दोबारा से जब स्टार्ट करते हैं उसमें कोई पहला दिन हो, तो फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज़ वेरी स्पेशल। के लिए बड़ी मिक्स फीलिंग्स होती हैं, आप थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे होते हो, एक्साइटेड भी होते हो,
साथ में आपको नहीं पता होता कि आपकी क्लास फेलोज कैसे होने वाली हैं और टीचर कैसे होने वाली हैं और सारा कैसे सरवाइव करने वाले हो। तो फर्स्ट डे के बाद आपको थोड़ा होता है कि यार हाँ वहीं जाना है जहाँ पहले गए थे। वैसे जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मुझे लगा था कि शायद क्लासेस ना ऑनलाइन होने वाली हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो लास्ट टाइम क्लासेस ऑनलाइन ही हुई थी। और लेकिन इस दफ़ा तो हमें मैसेज पे पता चला, मैसेज आया था 2-4 दिन पहले, तो उस पे पता चला कि जी क्लासेस तो ऑनलाइन ही होने वाली, बराह रास्त फेस टू फेस होने वाली है। तो हेयर्स के लिए आज मैं थोड़ी ज़्यादा ही सुबह के टाइम लेट भी हो रही थी और मैं पूरे पूरे टाइम पे तकरीबन 1 मिनट लेट ही हो गई थी है। तो वो क्लास का टाइम तकरीबन 3 घंटे का था और 3 घंटे के अंदर अंदर हर घंटे के बाद तकरीबन हर 40 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक थी और तीसरे वाले घंटे में 10 मिनट पहले ही हमें छुट्टी हो गई। बाकी सब अच्छा था। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। सो दिस वॉज माई टुडेज वीडियो, टुडेज व्लॉग, और ये व्लॉग तो मेरे लिए तो हमेशा यादगार के तौर पर बहुत ही अहम रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।